Hello students, as we know that I am discussing with the topic life processes, and in this topic I am discussing with the nutrition. Okay, subtopic nutrition. I have already discussed the nutrition in plants now, and I have already discussed the nutrition in unicellular organism. Now I am going to discuss with the nutrition in multicellular organism, that is nutrition in human beings. So nutrition in human beings. हम जो ह्यूमन बींग्स है वी जनरली यूज टू टेक वी यूज टू ईट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स फैट्स विटामिन्स है ना मिनरल्स सो ये वी यूज टू ईट दिस वी जनरली ईट दिस लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स वी ईट दिस लार्ज बायोमोलिक्यूल्स तो वी हैव टू आवर बॉडी हैज टू ब्रेक डाउन इन टू स्मॉलर मॉलिक्यूल फॉर द एब्जॉर्प्शन हमारा बॉडी जो होता है इट कैन नॉट एब्जॉर्ब दीज लार्ज बायोमोलिक्यूल्स सो इट हैज टू बी ब्रोकन डाउन इन टू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स तो क्या होता है जब भी हम कुछ खाते हैं जैसे कि हमारा जनरली हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि वट एवर द न्यूट्रिएंट्स वी ईट द न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट फैट्स लिपिड्स विटामिन्स मिनरल्स ठीक है दैट न्यूट्रिएंट्स हैज टू बी ब्रोकन डाउन इन टू द स्मॉलर मॉलिक्यूल एंड द ब्रोकन डाउन ऑफ द बिग बायोमोलिक्यूल्स और लार्ज बायोमोलिक्यूल्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज बायोमोलिक्यूल्स इंटू स्मॉलर बायोमोलिक्यूल्स Inside the body, inside our body is known as the digestion. This process is known as the digestion. So, ये जो digestion process है, it consists of a system which is known as the digestive system. ठीक है? Digestive system जो होता है, it is made up of two parts mainly, alimentary canal से मिलके बना होता है और digestive glands ठीक है alimentary canal and digestive glands ठीक है तो इस digestive system में जो alimentary canal है उसमें it consists of various other organs ठीक है alimentary canal जो होती है it starts from mouth and opens up posteriorly और यू कैन से एंड्स अप प्रोपोस्टीरियरली एट एनस पे ये एंड्स अप होता है खत्म होता है ठीक है तो डाइजेस्टिव और लेट्स सी व्हाट आर द ऑर्गन्स प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन बीइंग स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल राइट तो जैसे मैंने बताया कि इट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ सो दिस इज द माउथ द ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज द दिस इज माउथ माउथ इट ओपन्स अप इनटू अ बक्कल कैविटी इनटू अ कैविटी व्हिच इज नोन एज द बक्कल कैविटी और द ओरल कैविटी सो दिस इज द ओरल कैविटी माउथ एंड इट्स ओपन इनटू अ ओरल कैविटी और द बक्कल कैविटी अब बक्कल कैविटी इसके तीन पार्ट्स होते हैं इसका रूफ होता है विच इज नोन एज द रूफ इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द पैलेट ठीक है पैलेट क्या होता है इट कॉन्स्टिट्यूट द रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी रूफ ऑफ बक्कल कैविटी राइट सेकेंड पार्ट इज टंग इट कॉन्स्टिट्यूट द बेस ऑफ द बक्कल कैविटी बेस ऑफ बक्कल कैविटी बट इज एंड द थर्ड पार्ट इज टीथ ठीक है टीथ इट हेल्प्स इन द मैस्टिकेशन ऑफ द फूड टंग
हेल्प इन द स्वेलिंग एंड द मिक्सिंग ऑफ द फूड विद द सलाइवा. अभी हम एक एक करके सारे ऑर्गन्स को देखेंगे, उनका फंक्शन देखेंगे. ठीक है, देयर स्ट्रक्चर, वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द ऑल द ऑर्गन्स. नाउ दिस माउथ, दिस बक्कल कैविटी ओपन्स इनटू बक्कल कैविटी एंड बक्कल कैविटी इट लीड्स इनटू द फेरिंग्स. फेरिंग्स जो होता है इट इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड पाइप एंड विंड पाइप. फेरिंग्स क्या है, इट इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड पाइप एंड विंड पाइप. दोनों के लिए फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज. ठीक है, अब जब फूड कोई भी ह्यूमन बींग फूड खाएगा तो वो कॉमन पैसेज फेरिंग्स में जब पहुंचता है तो उसके चांसेस होते हैं कि वो हमारे विंड पाइप में भी चला जाए. दिस इज द विंड पाइप, ऑल्सो नोन एज द ट्रैकिया. रेस्पिरेशन में हम उसको पढ़ेंगे विंड पाइप. एंड दिस इज विंड पाइप इज प्रेजेंट एंटीरियरली एंड द पोस्टीरियरली द फूड पाइप इज प्रेजेंट विच इज ऑल्सो नोन एज ईसोफेगस. ईसोफेगस इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप. तो जो भी फूड ह्यूमन बींग खाते हैं उसके चांसेस हैं यहां विंड पाइप में एंटर करने के. तो टू प्रिवेंट द फूड टू एंटर इन साइड द विंड पाइप देयर इज अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द ग्लॉटिस ऑफ द विंड पाइप. ग्लॉटिस, वॉट इज ग्लॉटिस? ग्लॉटिस इज द माउथ ऑफ द विंड पाइप. ठीक है, ये जो विंड पाइप है इसका जो ये माउथ है दिस इज द ग्लॉटिस. सो ग्लॉटिस इज द माउथ ऑफ विंड पाइप. और ग्लॉटिस को कवर करता हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, कार्टिलेजनस फ्लैप इज प्रेजेंट ऑफ द ग्लॉटिस एंड दिस कार्टिलेजनस फ्लैप इज नोन एज एपीग्लॉटिस. ठीक है, दिस कार्टिलेजनस फ्लैप इज नोन एज एपीग्लॉटिस. तो जब भी हम फूड को खाते हैं तो देयर इज अ स्ट्रक्चर कार्टिलेजनस फ्लैप प्रेजेंट विच इज नोन एज एपीग्लॉटिस विच कवर्स द माउथ ऑफ द विंड पाइप और द ट्रैकिया एंड द माउथ ऑफ द ट्रैकिया इज नोन एज ग्लॉटिस. सो एपीग्लॉटिस इज विच टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर? इट इज अ कार्टिलेजिनस फ्लैप, कार्टिलेज का बना होता है विच कवर्स द ग्लॉटिस ड्यूरिंग स्वेलिंग ऑफ फूड, स्वेलोइंग ऑफ फूड. सो जब बिलो नाउ दिस फेरिंग्स इट लीड्स इनटू द ईसोफेगस. ईसोफेगस इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप. इट इज अ थिन लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. ईसोफेगस कैसा होता है? इट इज अ थिन एंड लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एंड इट कंसिस्ट ऑफ द मसल्स इन विच द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन अकर्स विच हैव इन द मूवमेंट ऑफ द फूड विच हैव्स टू मूव अवे द फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल इज ऑल्सो नोन एज गट. तो ये जो इसमें जो मसल्स होते हैं इन साइड द फूड पाइप द मसल्स आर प्रेजेंट इन विच द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन टेक्स प्लेस विच हैव इन द मूवमेंट ऑफ द फूड फॉरवर्डली फ्रॉम द माउथ टूवर्ड्स द एलिमेंट्री कैनाल टूवर्ड्स द स्टमक एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड टूवर्ड्स द एनस. सो दिस टाइप ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. तो फूड पाइप में या ईसोफेगस में नॉट ओनली दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज प्रेजेंट नॉट ओनली इन द ईसोफेगस. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है इट अकर्स ऑल ओवर थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ the muscles present in elementary canal
इट इज ऑल्सो नोन एज पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालिटिक, पेरिस्टालसिस और पेरिस्टालिटिक मूवमेंट. ठीक है, एंड इट अकर्स थ्रू आउट द अकर्स ऑल ओवर द एलिमेंट्री कैनाल. पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, किनाल में ये पेरिस्टालिटिक मूवमेंट होगी जिसके थ्रू फूड जो है वो मूव होगा फ्रॉम द माउथ टुवर्ड्स द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन. अब ये जो ईसोफेगस है इट विल लीड इनटू, इट विल ओपन अप इनटू द, इनटू अ बैग, इनटू अ जे लाइक स्ट्रक्चर, जे शेप स्ट्रक्चर विच इज बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज द स्टमक. तो ये जो है और ये ईसोफेगस इट इज ओपनिंग इनटू द स्टमक एंड द स्टमक इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स, कार्डियक, फंडस और द फंडिक पार्ट एंड द पाइल, पाइलोरिक पार्ट. ठीक है, तो टुगेदर दीज थ्री टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द स्टमक. तो स्टमक एक जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, विच इज डिस्टेंसिबल. स्टमक इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर. इसमें भी क्या होगा, इसमें भी मसल्स प्रेजेंट रहेंगे जिनमें की पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट होगा और जो इनकी मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होगा, दे हैव इन द मिक्सिंग ऑफ द फूड, दे हैव इन द चर्निंग ऑफ द फूड एंड एज वेल एज मिक्सिंग ऑफ द सिक्रीशंस ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इनसाइड द स्टमक. ठीक है, फॉर द डाइजेशन. अब जो ओपनिंग जो ईसोफेगस है फूड स्टमक में आता है, इट इज गार्डेड बाय अ स्फिंक्टर प्रेजेंट एट द ओपनिंग. दैट स्फिंक्टर इज नोन एज गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर. एंड दिस स्फिंक्टर इट विल गार्ड द मूवमेंट ऑफ द फूड फ्रॉम ईसोफेगस टू द स्टमक. अब स्टमक से जो है फूड विल लीड इन टू द ड्यूडेनम. ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब यहां से कहां आ रहा है फूड, फूड इज एंटरिंग इन साइड द ड्यूडेनम. ड्यूडेनम क्या होता है, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट इज अ सी शेप स्ट्रक्चर, सी शेप्ड स्ट्रक्चर है ना. यहां भी जो है दिस एंट्री ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक इनसाइड द इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय अ स्फिंक्टर विच इज नोन एज द पाइलोरिक स्फिंक्टर. यहां पे कौन सा स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर. दिस इज नोन एज पाइलोरिक स्फिंक्टर. ठीक है, अब ये ड्यूडेनम के बाद द फूड विल एंटर इनटू द वेरी हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर दैट इज जेजुनम. एंड आफ्टर जेजुनम इट विल एंटर इनटू अनदर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर विच इज नोन एज द इलियम. तो दीज थ्री पार्ट्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन is the part of the alimentary canal where the complete digestion occurs. Digestion completely takes place. After small intestine, the food will enter into the large intestine and the first part of the large intestine is cecum. Cecum kya hai? Cecum is a blind sac-like structure. Theek hai? Cecum jo hai, it is a blind sac-like structure which harbors सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, सीकम में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं विच रिलीजेस द एंटीबायोटिक्स एंड अदर यूजफुल सब्सटेंसेस. इस सीकम से जो होता है देयर इज अ लॉन्ग थिन लॉन्ग ट्यूब लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट विच इज नोन एज द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या होता है, इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गेन. सो दिस इज द दिस थिंग थिन लॉन्ग ट्यूबरस स्ट्रक्चर इज नोन एज वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स. ठीक है,
अब सीकम के बाद द फूड विल एंटर इन साइड द कोलन. कोलन इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री लार्ज इंटेस्टाइन एंड द कोलन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट. ठीक है, कोलन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट. दिस इज द असेंडिंग कोलन और यू कैन राइट हियर असेंडिंग कोलन एंड देन डिसेंड ट्रांसवर्स कोलन एंड descending colon, descending colon, right? और after this, किसी किसी book में you will get to read the sigmoid colon, the fourth type of the fourth part of the colon, that is the sigmoid. लेकिन हमारे NCERT में इसको तीन part में ही divide किया गया है, ascending colon, transverse colon और descending colon. कोलन के बाद क्या होता है, फूड कहां पे आएगा, फूड विल एंटर इनसाइड द रेक्टम और रेक्टम के बाद द अनडाइजेस्टेड मटीरियल दे विल बी पास आउट विद द हेल्प फ्रॉम द स्ट्रक्चर नोन एज एनस. अब एनस के में भी देर इज अ स्फिंक्टर प्रेजेंट विच इज नोन एज द एनल स्फिंक्टर विच गार्ड्स द passages of the undigested food, right? So this is the structure of the alimentary canal in the human beings. In structure aapko samajh mein aa gaya. Food jo hai, first part alimentary canal ka kya hota hai, mouth hota hai. Food will enter into the mouth, right? This is the first part of alimentary canal. Mouth ke baad food kahan jayega, buccal cavity mein jayega. बक्कल कैविटी इज डिवाइडेड टू थ्री पार्ट्स, पैलेट, टंग एंड टीथ. बक्कल कैविटी के बाद फूड विल एंटर इनटू द फेरिंग्स. फेरिंग्स इज द कॉमन पाथ फॉर फूड पाइप इन द विंड पाइप. आफ्टर दैट फूड विल एंटर इनटू द ईसोफेगस. ठीक है, ईसोफेगस के बाद कहाँ आएगा फूड, फूड विल एंटर इन साइड द स्टमक. मैं यहाँ जो नंबरिंग कर रही हूँ, आई एम नंबरिंग फॉर द मेन पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, स्टमक के बाद फूड कहाँ आ रहा है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है. स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड आएगा लार्ज इंटेस्टाइन में. दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन. और लार्ज इंटेस्टाइन किससे किससे मिलके बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स, सीकम, कोलन एंड रेक्टम. तो फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आएगा लार्ज इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन के बाद इट विल passes through the anus. It will passes outside through the anus. So this is all about the structure of the alimentary canal present in human beings. Next I will discuss about the glands. Okay, so let's see the glands. What are the glands present here? There are mainly digestive glands. First digestive gland which is present here is the salivary gland. ठीक है, salivary gland it they are of three types. Parotid gland, this is the parotid gland. ठीक है, parotid gland कहां present होता है, on the lower corner of the cheek. Cheeks के जो lower side होता है ना corner पे, वहां पर parotid gland present होगा. The other two salivary glands are submandibular glands and sublingual glands. Submandibular glands are present here. These glands are present. This is the sublingual gland and सब मैंडिबुलरी ग्लैंड. सब लिंगुअल ग्लैंड एंड सब मैंडिबुलरी ग्लैंड. सो थ्री द टोटल थ्री टाइप्स ऑफ द ग्लैंड्स आर प्रेजेंट. सलाइवरी ग्लैंड्स आर थ्री टाइप्स, पैरोटिड ग्लैंड्स
सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स एंड सबलिंगुअल ग्लैंड. ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड्स दे आर प्रेजेंट इन द चीक्स, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स प्रेजेंट बिलो द लोअर जॉ एंड सब लिंगुअल ग्लैंड प्रेजेंट बिलो द टंग. उसके अलावा जो डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो ग्लैंड्स डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट हैं लीवर, देन पैंक्रियाज, देन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स. एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट्स हैं हमने डिस्कस कर लिया वहां पे. ठीक है, अब हम डिटेल में देखेंगे. तो दीज आर द सलाइवरी ग्लैंड्स एंड दिस इज लीवर, सेकेंड द लार्जेस्ट ग्लैंड प्रेजेंट इन द बॉडी एंड दिस इज पैंक्रियाज, राइट. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होता है वो प्रेजेंट रहेगा स्टमक में. कहाँ प्रेजेंट रहेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स? दे आर प्रेजेंट इनसाइड द स्टमक. और जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं दे आर प्रेजेंट इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट रहेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में. अब जो ये डाइजेशन की प्रोसेस होती है इट दे इन्वॉल्व दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द फाइव स्टेप्स. ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो है इट इन्वॉल्व्स फाइव स्टेप्स. हमने पहले भी देखा था ह्यूमंस में क्या होता है, किस तरीके की न्यूट्रिशन होता है. होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इसको. और होलोजोइक न्यूट्रिशन में पांच स्टेप्स होते हैं. पहला स्टेप होता है इंजेशन, दूसरा होगा डाइजेशन, थर्ड मैंने बताया था अब्सॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन एंड देन लास्ट स्टेप इज इजेशन. तो जैसा मैंने कि आपको फिगर में दिखाया कि डाइजेशन जो होता है वो कहां से स्टार्ट होता है? माउथ से. ठीक है, डाइजेशन स्टार्ट्स विद, यहां से हम डाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं. पहले क्या होगा? इंजेशन होगा. ठीक है, इंजेशन मतलब टेकिंग इन ऑफ द फूड, फूड को खाना इज द प्रोसेस नोन एज द इंजेशन. इंजेशन के बाद डाइजेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है? पहले हमने फूड माउथ के थ्रू लिया अंदर, अब माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, तो डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ. माउथ में डाइजेशन स्टार्ट होगा. माउथ में क्या था मैंने बताया कि सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. तो जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं दे सिक्रीट सलाइवा. ठीक है, माउथ में क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. और सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होंगे? ये सिक्रीट करेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स, दे विल सिक्रीट सलाइवा. ठीक है, सलाइवा सिक्रीट करते हैं. और इस सलाइवा में क्या होता है? एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, लाइसोजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस प्रेजेंट होता है, वाटर इन अबंडेंट अमाउंट इज प्रेजेंट, 98% वाटर प्रेजेंट रहता है. तो ये सलाइवा जो है इट विल बी मिक्सड अप विद द फूड. ठीक है, तो ये हम जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो है वो हम बाद में देखेंगे. जस्ट अभी हम क्या देख रहे हैं कि कहां से हम डिटेल फॉर्म में डिटेल में देख रहे हैं स्ट्रक्चर कि कैसे कैसे डाइजेशन स्टार्ट होगा और कौन कौन से ऑर्गन्स जो है दे विल पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. तो माउथ के बाद the food will lead into the buccal cavity. buccal cavity में जाएगा. buccal cavity is also known as oral cavity. ठीक है, buccal cavity को और क्या बोलते हैं? oral cavity बोलते हैं, right? अब buccal cavity जैसे मैंने बताया कि it consists of three parts. buccal cavity it consists of three parts. first is
palate, which constitute the roof of the buccal cavity. हमारा टंग जब हम कुछ बोलते हैं, कई बार हमारा टंग इट टचेस द बकल कैविटी. तो बकल कैविटी ऑल्सो हेल्प्स इन स्पीकिंग, इट हेल्प्स इन आर्टिकुलेशन ऑफ द स्पीच ऑल्सो. जैसे कि टंग होता है, टंग ऑल्सो हेल्प्स अस इन आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच. तो सेकेंड फर्स्ट पार्ट बकल कैविटी का कौन सा हुआ? पैलेट. सेकेंड पार्ट इज टंग एंड द थर्ड पार्ट इज टीथ. टीथ बिकॉज मैनी teeth are present there. अब tongue जो होता है, पहले हम tongue को देखेंगे. तो tongue जो होता है, it constitute the floor of the buccal cavity. Tongue जो है buccal cavity का floor form करता है and it is attached with the frenulum. Tongue जो है it is free anteriorly. आप देखोगे मेरा tongue आगे anteriorly it is free and it is attached posteriorly with the help of frenulum. ठीक है, ये जो है नेक से अटैच्ड होता है पोस्टीरियरली विद द हेल्प ऑफ फ्रेनुलम. फ्रेनुलम क्या होता है? इट इज अ लिगामेंट स्ट्रक्चर. तो इट इज फ्री एंटीरियरली. एंटीरियरली जो है टंग जो है फ्री रहेगा, बट पोस्टीरियरली अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ फ्रेनुलम. फ्रेन्यूलम क्या होता है? फ्रेन्यूलम इज अ लिगामेंटस स्ट्रक्चर. फ्रेन्यूलम जो है एक लिगामेंटस स्ट्रक्चर है. ठीक है, जो टंग होता है इट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स. लेकिन आप फिर भी देखोगे कि इट इज नॉट अटैच टू एनी बोन्स. टंग इट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल, पता है ना, इसको ध्यान रखें. तो टंग इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स. स्केलेटल मसल से बना होगा बट इट इज नॉट अटैच्ड विद एनी बोन्स. अगर हम टंग का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारे टंग का होता है. तो ठीक है, एंड इसमें क्या होता है, हमारे टंग में बहुत सारे पैपिली प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं टंग में. ठीक है, दीज प्रोजेक्शंस आर नोन एज पैपिली. और उन पैपिली में क्या होता है, टेस्ट बड्स होते हैं. पैपिली कंसिस्ट ऑफ टेस्ट बड्स. टंग में क्या होते हैं, पैपिली प्रेजेंट होते हैं और पैपिली में क्या होगा, टेस्ट बड्स होते हैं. हम देखते हैं हमारे जो हमारा टंग होता है इट टेस्ट फोर टाइप ऑफ द टेस्ट, बिटर, सॉर, सॉल्टी टेस्ट एंड द स्वीट टेस्ट. तो हमारा जो टंग होता है ना, इसका एक पर्टिकुलर रीजन, हर टेस्ट के लिए एक पर्टिकुलर रीजन ऑक्यूपाइड होता है, स्पेसिफाइड होता है. टंग में किसी भी टेस्ट के लिए एक पर्टिकुलर रीजन स्पेसिफाइड होता है. ठीक है, तो जो टंग का पोस्टीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग हैज द टेस्ट बड फॉर द बिटर टेस्ट. तो ये पोस्टीरियर पार्ट है. तो यहां पे जो टेस्ट बड्स होंगे, यहां पे टेस्ट बड्स जो है, दिस पोस्टीरियर पार्ट हैज द टेस्ट बड्स फॉर द बिटर टेस्ट. ठीक है, अब थोड़ा सा स्लाइटली एंटीरियर साइड की तरफ आप आओगे तो साइड में टंग के, मतलब लेटरल, पोस्टीरियर लेटरल साइड में जो टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं, दीज टेस्ट बड्स आर फॉर द सॉर टेस्ट. राइट, एंटीरियरली लेटरल रीजन में, एंटीरियरली लेटरल रीजन जो होता है, एंटीरियर लेटरल रीजन, इट कंसिस्ट ऑफ द टेस्ट बड्स फॉर द सॉल्टी टेस्ट. यहां पे सॉल्टी टेस्ट के लिए जो है टेस्ट बड्स प्रेजेंट रहेंगे. एंड एट द टिप ऑफ द टंग द टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट फॉर द स्वीट टेस्ट. यहां पे जो टेस्ट बड्स प्रेजेंट रहते हैं स्लाइटली अवे फ्रॉम द टिप, एट द टिप एंड स्लाइटली अवे फ्रॉम द टिप, द टेस्ट बड्स विच आर प्रेजेंट दे आर फॉर द स्वीट टेस्ट. ठीक है, नाउ व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द टेस्ट टंग. तो टंग का फंक्शन क्या होता है, लेट्स सी द फंक्शन ऑफ टंग. तो पहला तो होता है दे आर गस्टेटो रिसेप्टर्स.
गस्टेटो रिसेप्टर में क्या होगा, दे आर गस्टेटो रिसेप्टर्स इन ओरिजिन मीन्स दे आर एबल टू डिटेक्ट द टेस्ट. दूसरा दे हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा. फूड मिक्सिंग विद सलाइवा, दे हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा. दे ऑल्सो हेल्प इन आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच. आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच, ठीक है, एंड हेल्प इन स्वॉलिंग ऑफ फूड. फूड को स्वॉलो करने में भी दे हेल्प अस. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द टंग. दे ऑल्सो हेल्प एज द नेचुरल टूथब्रश, क्योंकि हम बीच बीच में अपने जो टंग से जो है ना, अपने जो टीथ होते हैं ना उसको टच करते हैं. वी यूज टू क्लीन दर टीथ. सो दे ऑल्सो फंक्शन एज द नेचुरल टूथब्रश. टंग इज ऑल्सो फंक्शन एज नेचुरल टूथ ब्रश. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बक्कल कैविटी इज टीथ. टीथ वट दे डू, दे ब्रेक डाउन द लार्ज पार्टिकल्स ऑफ द फूड इन टू द स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ फूड. तो टीथ का फंक्शन क्या होता है, उनका काम क्या होता है, ब्रेक डाउन लार्ज पार्टिकल ऑफ फूड इन टू द स्मॉलर पार्टिकल्स, ठीक है. तो कैसे करेंगे, देर आर द सेट ऑफ टीथ आर प्रेजेंट, सेट ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बींग्स. और ह्यूमन बींग्स में दो तरीके के, पूरे लाइफ साइकिल में, उनके पूरे लाइफ टाइम में और लाइफ साइकिल में दो बार टीथ, दो तरीके के टीथ प्रेजेंट होते, ठीक है. तो इस कंडीशन को जब टू सेट ऑफ और टू टाइप्स ऑफ द लीव्स आर प्रेजेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन बींग्स, दिस कंडीशन इज नोन एज डाइफायोडॉन डेंटिशन और डाइफायोडॉन कंटेशन, ठीक है. डेंटिशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ टीथ, ठीक है. तो डाइफायोडॉन डेंटिशन मतलब टू टाइप्स ऑफ टीथ इज प्रेजेंट इन द लाइफ साइकिल, इन होल लाइफ साइकिल, ठीक है, ऑफ ह्यूमन बींग. दो तरीके के टीथ कौन से होते हैं, मिल्क टीथ एंड द परमानेंट टीथ. मिल्क टीथ इज ऑल्सो नोन एज टेम्पररी टीथ और डेसिडुअस टीथ. टेम्पररी टीथ भी बोलते हैं और दे आर ऑल्सो नोन एज डेसिडुअस टीथ. परमानेंट टीथ को एडल्ट टीथ भी बोलते हैं, ठीक है. अब ये जो मिल्क टीथ होता है, दे अराइजेज एट द एज ऑफ 6 to 11 months. 6 से 11 month का जब बच्चा होता है तब मिल्क टीथ आ जाते हैं, ठीक है. अब लेट्स सी द डेंटल फॉर्मूला प्रेजेंट इन द ह्यूमन बींग्स. द अरेंजमेंट, जो टीथ का अरेंजमेंट होता है इन साइड द जॉ, teeth are arranged, teeth are embedded in the socket of jaw bones, ठीक है. तो जो arrangement होता है that arrangement is known as dentition. Now different types of teeth are present actually in the human beings, ठीक है. Mainly there are 4 types of the teeth present in human beings, or due to these different type of the teeth, this dentition, this condition is also known as the heterodont condition, right? Heterodont means different types of the teeth are present. तो और जो teeth का arrangement होता है, it is shown by a formula which is known as the dental formula. The arrangement of teeth is shown by a formula known as the dental formula. उस dental formula में हम क्या बताते हैं, हम दिखाते हैं, हम जो represent करते हैं वो half of the teeth present in half of the upper jaw
in the area of half of the upper jaw and in the area of half of the lower jaw. ठीक है, तो let's see the dentition, dental formula in case of human beings. In the milk teeth, जो temporary teeth होते हैं उनमें क्या condition होती है? 2102. This shows the upper half of the half of upper jaw, and this is showing half number of teeth of lower jaw. ठीक है, नीचे वाला जो है लोअर जॉ में हाफ लोअर जॉ में जितने टीथ प्रेजेंट है उनको शो कर रहा है, ऊपर वाला अपर जॉ में जो हाफ अपर जॉ में जो टीथ प्रेजेंट है उनको शो कर रहा है. अगर हम पूरा कंप्लीट जॉ का टीथ देखें तो अपर जॉ में अगर कंप्लीट सेट ऑफ टीथ देखना है तो कितना करेंगे हम, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. लोअर जॉ में अगर हमें देखना होगा तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना. तो ये तो कंप्लीट सेट ऑफ टीथ देखने अगर हमें पता करना है, लेकिन डेंटल फॉर्मूला जब हम लिखते हैं तो हम सिर्फ अपर हाफ और लोअर हाफ ऑफ द जॉ में जो टीथ प्रेजेंट होंगे उनको उनके नंबर लिखेंगे. तो मैंने बताया था कि हेट्रोडॉन्ट डेंटिशन इज प्रेजेंट. हेट्रोडॉन्ट डेंटिशन मतलब क्या होता है? फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट. तो यहां पे जो ये दिखा रहा है दिस वन इज शोइंग इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर एंड दिस वन इज द मोलर्स. ठीक है, अब लेट्स सी द डेंटल फॉर्मूला इन केस ऑफ द एडल्ट्स और इन परमानेंट टीथ. इट इज 2 1 2 3 इंसीजर केनाइन, इंसीजर केनाइन, प्री मोलर्स एंड मोलर्स. ठीक है, तो ये चार तरीके के टीथ होते हैं. इंसीजर, इंसीजर्स का काम क्या होता है? दे हेल्प्स इन कटिंग द फूड. केनाइन्स, केनाइन्स का काम क्या होगा? दे हेल्प इन टीयरिंग द फूड. ठीक है, देन प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, इनका काम क्या होगा? ग्राइंडिंग, इन ग्राइंडिंग ऑफ फूड. प्रीमोलर्स एंड मोलर्स का फंक्शन क्या होता है? दे हेल्प इन द ग्राइंडिंग ऑफ द फूड, राइट. अब मैंने बताया कि जो टीथ होते हैं, टीथ दे आर एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ द जॉ बोन एंड दिस कंडीशन इज नोन एज द थीकोडोंट कंडीशन, राइट. तो जो टीथ की कंडीशन कैसी होती है इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, दैट इज थीकोडोंट कंडीशन. थीकोडोंट कंडीशन मीन्स क्या होता है? टीथ एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन्स. ठीक है, नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ अ टीथ इन वेरी शॉर्ट. लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ टीथ of a tooth in very short. तो teeth जो है, the tooth, it is made up of three main parts. It is divided into three main parts. First is the crown, second is neck, and third is root. ठीक है, तो जो गम के ऊपर जो जॉ जो सॉकेट होता है जॉ बोन की, जस्ट अबव पार्ट जो होगा, जो
which is visible, which is white in color, that is known as the crown. This is the crown part of the teeth. ठीक है, crown is present above the gum area. ठीक है, जो socket होता है उसके ऊपर present होगा and it appears white in color. This is the gum and the hidden, the part hidden underneath the gum, part hidden underneath the gum is known as neck. This is known as neck. And the part embedded in the socket of jawbone, it is known as roots. ठीक है, right? अब जो enamel है, enamel is surrounded by a very hard chewing, a hard substances. The crown, basically, it is surrounded by the uppermost part of the crown is surrounded by a very hard chewing surface which is known as the enamel. So this is the enamel. Enamel kya hota hai? It is hard chewing surface of teeth, right? Enamel uske alawa it forms the hardest substance in our body. Enamel forms the hardest सबस्टेंस ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी का जो हार्डेस्ट सबस्टेंस कौन होता है, वो क्या होता है? एनेमल, हार्डेस्ट सबस्टेंस ऑफ बॉडी. एंड इट इज प्रेजेंट ओनली इन क्राउन. एनेमल कहां प्रेजेंट होगा? ओनली इन क्राउन. एनेमल खाली जो है क्राउन में प्रेजेंट रहता है. ठीक है, एंड एनेमल दे आर मेड अप ऑफ सॉल्ट्स ऑफ कैल्सियम, फॉस्फेट एंड फ्लोराइड्स. इनेमल किसका बना होता है? मेड अप ऑफ सॉल्ट्स ऑफ कैल्सियम, फॉस्फेट एंड फ्लोराइड्स. ठीक है, इनेमल जस्ट बिलो द इनेमल अनदर हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट विच इज नोन एज द डेंटाइन. जस्ट बिलो द इनेमल another structure is present which is known as dentine. बच्चो यहां पे जो हम teeth का tooth का structure discuss कर रहे हैं, बहुत detail में नहीं कर रहे हैं. ठीक है, just brief discussion यहां पे हम tooth का कर रहे हैं. तो below the enamel dentine is present. अब जो ये dentine होता है it is present all along the teeth, tooth. ठीक है, पूरे tooth में जो है dentine present रहेगा. डेंटाइन इट इज ऑल्सो हार्ड सबस्टेंस. हार्ड होगा बट इट इज नॉट एज मच हार्ड एज द इनेमल इज. ठीक है, एंड इट प्रेजेंट एवरीवेयर. जैसे कि इनेमल इट इज प्रेजेंट ओनली इन द क्राउन, बट डेंटाइन इज प्रेजेंट एवरीवेयर, राइट? नाउ बिलो द सॉकेट द रूट इज प्रेजेंट एंड दिस रूट इज एम्बेडेड इन द jawbone, embedded in jawbone. ठीक है, socket of the jawbone. अब इसके अंदर below the dentine a pulp cavity is present. Below the dentine a pulp cavity is present. The pulp cavity it is leaving. This is the pulp cavity it is leaving. This is pulp cavity. और pulp cavity क्या होता है? It is living होता है. It consists of blood capillaries and nerves. These are some blood capillaries which are present in, and along with the blood capillaries, nerves are present. So in the these are the blood capillaries and this blue color structure is they are nerves. ठीक है, तो pulp cavity में क्या होता है? Blood capillaries और nerves present होते हैं. So this is a brief structure of tooth. अब क्या होता है ना, कभी कभी जब हम
कुछ भी खाना खाते हैं तो जो भी हम फूड खाते हैं उसमें शुगर होता है। फूड के साथ मैंने बताया कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना दे मिक्स्ड विद द फूड विद द शुगर, शुगर के साथ मिक्स होकर के ठीक है बैक्टीरियल मासेस दे विल मिक्स विद द जो बैक्टीरियल मासेस है बैक्टीरियल मासेस मिक्स विद शुगर्स प्रेजेंट इन फूड एंड फॉर्म आर डेंटल प्लाक ओवर द इनेमल। जो हमारा इनेमल होता है ना क्राउन के ऊपर जो हार्ड सबस्टेंस प्रेजेंट होता है हार्ड डिस्क सबस्टेंस इनेमल, इसके ऊपर एक पतली सी लेयर फॉर्म कर देंगे बैक्टीरिया जो है ये शुगर के साथ जो भी फूड में शुगर रहेगा उसके साथ मिक्स होकर के एक पतली सी लेयर फॉर्म कर देंगे। अब जब लेयर फॉर्म हो जाएगी तो क्या होगा, अब ये दे विल डाइजेस्ट शुगर, शुगर को डाइजेस्ट करेंगे तो बैक्टीरिया दे विल रिलीज एसिड। ठीक है, डेंटल प्लाक बनाने के बाद बैक्टीरिया विल रिलीज एसिड। ठीक है, बैक्टीरिया जो है दे विल रिलीज एसिड और ये एसिड जो होता है दे विल कॉज द ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ द टीथ। ठीक है, जो टीथ को धीरे धीरे वो सॉफ्ट करता है, इनेमल को सॉफ्ट करता है। ठीक है, और इस तरीके से ये टूथ डिके करता है। ठीक है, ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग एंड द डिकेइंग ऑफ द टूथ दिस एसिड इट विल कॉज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग और डिकेइंग ऑफ टूथ डिकेइंग ऑफ इनेमल एज वेल एज डेंटाइन ऑल्सो। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस डेंटल प्लाक को जो डेंटल प्लाक बनता है ना दैट हैज टू बी रिमूव्ड जब भी हम खाना खाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप खाना खाओ खाने के बाद आप ब्रश जरूर करो क्योंकि जो बैक्टीरिया होंगे अगर हम जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो क्लीन हो जाएंगे वॉश ऑफ हो जाएंगे और जो भी फूड पार्टिकल अगर कहीं पर भी अगर चिपका हुआ है हमारे माउथ में तो वो भी क्लीन हो जाएगा तो बैक्टीरिया विल नॉट गेट द फूड सबस्टेंस विल नॉट गेट द शुगर टू प्रोड्यूस द एसिड दे विल नॉट गेट द शुगर टू फॉर्म द डेंटल प्लाक और इससे क्या होगा हमारे इनेमल को भी कोई हार्म नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो डेंटल प्लाक आपको समझ में आएगा व्हाट इज डेंटल प्लाक एंड दिस डेंटल प्लाक दिस ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग और डिकेइंग ऑफ इनेमल इट इज नोन एज टूथ डिके और डेंटल केरीज। ठीक है, इसको टूथ डिके बोलते हैं या फिर डेंटल केरीज बोलते हैं। राइट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टीथ, टीथ का फंक्शन क्या होता है मैंने बताया था द फंक्शन ऑफ टीथ इज द मेस्टिकेशन ऑफ फूड इट विल ब्रेक डाउन द लार्ज पार्टिकल्स ऑफ फूड इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स which has in the formation the bolus. Let's see what is the bolus.